तो आई थिंक नॉर्मल हमने कंप्लीट कर ली, राइट? नॉर्मल से हमने कंप्लीट कर लिया, नॉर्मल से लिया, ठीक है। तो अब बस हम लोग लास्ट पॉइंट पे हैं, और हाइपरबोला, हाइपरबोला का लास्ट लेक्चर समझो उसको। एंड टुडे विल स्टार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर के साथ साथ इसको कभी कभी इक्विलैटरल भी बोलते हैं। हाइपरबोला, एनी आइडियाज? किसी को पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? पढ़ा होगा कॉलेज में, कॉलेज में पढ़ा होगा। देखो भाई, ये जो हमारी इक्वेशन है, अरे कितने लोग आ रहे हैं अभी। तो ये जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ इफ यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर a इक्वल्स टू b हो गया, इट्स अ स्पेशल एलिप्स व्हिच इज एक्चुअली व्हिच टर्न्स आउट टू बी अ सर्कल। एलिप्स का जो स्पेशल केस है a इक्वल्स टू b वाला, उसमें वो सर्कल बन जाता है। बट यहां पर क्या होगा, वॉट इफ ए इक्वल्स टू बी, वॉट विल हैपन? ऑब्वियसली इक्वेशन थोड़ी चेंज दिखेगी हमको। अगर हम बी को ए सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल नॉट बी मच चेंजेस, राइट? कोई नया कर्व नहीं आ गया भाई। ए इक्वल्स टू बी किया हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको प्लॉट करें, ऐसा प्लॉट किया जाए। So, सबसे पहले एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या थी भाई? x by a equals to plus minus y by b, या फिर x by a plus minus y by b equal to zero. यहाँ पर क्या हो जाएगा, x square minus y square equal to zero. So, one of the asymptotes is y equals to x. Y equals to x line. And the other asymptote is y equals to minus x line. What is special about these two lines? Obviously, y equals to x and y equals to minus x are perpendicular. तो भाई एक special चीज जरूर हुई है, और वो ये हुआ है कि asymptotes right angle पे आ गई हैं. Since a equals to b, तो जो asymptotes हैं hyperbola की वो right angle पर है. And apart from this, अब जो diagram बनेगा वो तो वैसे ही बनने वाला है. इनफैक्ट जो हमारा वर्टेक्स था वो भी सेम ही रहने वाला है, ए कॉमा जीरो, राइट? व्हाट अबाउट फोकस? ऑफ फोकस फाइंड करते हैं, फोकस के साथ क्या होगा? तो फोकस में बताइए ए ई होता है, और एक्सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है हमारा वो हाइपरबोला के लिए रूट ओवर वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बट एज वी नो इन केस ऑफ दिस हाइपरबोला ए इक्वल्स टू बी है। So, एक और कुछ और स्पेशल हुआ है, वो ये है कि एक्सेंट्रिसिटी भी देखो कांस्टेंट हो गई है। फॉर एवरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी विल बी रूट टू। दैट मींस क्या होंगे भाई फोकस के कोऑर्डिनेट्स? ए ई होता है तो ये हो जाएगा रूट टू ए कॉमा जीरो। सिमिलरली जो डायरेक्ट्रिक्स थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, दिस विल बिकम एक्स इक्वल्स टू ए बाई रूट टू। मतलब जहां भी e था वहां पे अब रूट टू आ जाएगा, है ना? ओके, और क्या स्पेशल होगा भाई इसमें? और क्या स्पेशल तो बना सकते हो, एक्सेंट्रिसिटी कांस्टेंट हो गई, एसिम्प्टोट्स राइट एंगल पे आ गए। सॉरी, तुम्हें याद है एसिम्प्टोट्स और एक्सेंट्रिसिटी के बीच का एक रिलेशन था, sec थीटा, एंगल बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस and one of the hello awaaz aa rahi hai? ha sir, angle between asymptotes and
transverse axis. If it is theta, eccentricity is sec theta. Though currently it is 45 degrees, so sec 45 is root 2. वहाँ से भी relate हो रहा है, है ना? तो ये rectangular hyperbola है. X square minus y square equal to a square और focus, directrix, सब कुछ वैसा ही है, बस जहाँ भी e है वहाँ पे अब root 2 लिख दोगे. But अब सोचो, क्योंकि ये जो asymptotes हैं वो perpendicular हो गए हैं. अगर हम इस पूरे डायग्राम को 45 डिग्री से रोटेट करें, हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन को देखो 45 डिग्री से रोटेट कर दें, तो क्या होगा? होगा ये कि जो एसिम्प्टोट्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ अलाइन हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, और ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर बेटर होगा देखने के लिए, समझने के लिए, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें ऑलरेडी जो है एसिम्प्टोट्स राइट एंगल पर है और ये हाइपरबोला बना हुआ है. नाउ व्हाट इफ वी रोटेट इट बाय प्लस 45 डिग्रीज? ऑब्वियसली जो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगी और जो y इक्वल्स टू माइनस x लाइन है वो x एक्सिस पहुंच जाएगी. तो आफ्टर 45 डिग्रीज रोटेशन प्लस 45 डिग्रीज रोटेशन ऑफ कर्व विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो देखो कन्वर्ट होके ये डायग्राम कैसे दिखेगा पहले ये देख लो. तो होगा ये कि मेरे ख्याल सब तक तुमने विजुलाइज कर लिया होगा कि x एक्सिस पर ये जो लाइन बनी हुई है वो x एक्सिस पर जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस x x एक्सिस पर और y इक्वल टू x y एक्सिस पर. तो ग्राफ जो था, देखो एसिम्प्टोट को पता ही है, वो कुछ ऐसा निकल जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल जाएगा, विच इज ऑब्वियसली बेटर. और जो जो x एक्सिस था वो इस पोजिशन पे आ जाएगा, इस पोजिशन पे, और जो y एक्सिस था वो इस पोजिशन पे आ जाएगा, मतलब जो हमारे हाइपरबोला के ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो बन जाएंगे y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस x. सो वी हैव अ न्यू टाइप ऑफ हाइपरबोला. ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ न्यू टाइप ऑफ हाइपरबोला, बट उसमें भी 45 डिग्रीज रोटेट करने के बाद, बिकॉज अब तक जो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला था उसमें हमेशा जो ट्रांसवर्स एक्सिस था उसको हमने एक्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को वाई एक्सिस लिया है, बट इस बार हमने 45 डिग्री से रोटेट करके इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया. तो दो काम करने हैं, एक तो ये कि अब रोटेशन के बाद जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी उसकी, सॉरी न्यू हाइपरबोला फॉर्म होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी और जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी है वो हमको निकालनी है, ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं. y equal to 1 by x, नहीं 1 by x नहीं, c square by x होता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि constant 1 हो, मतलब इसमें था limits में calls नहीं करते. कोई call कर रहा है यार, कोई call क्यों कर रहा है? waiting room में तो कोई है नहीं. आवाज आ रही है? हेलो, अभी ठीक है? हाँ सर. ओके, तो अब देखो अब हमें इस हाइपरबोला से इस हाइपरबोला तक पहुंचना है. इस हाइपरबोला की इक्वेशन है मेरे पास ऑलरेडी x square minus y square equals to a square, but after this rotation जो new hyperbola form हुआ है उसकी equation कैसे निकाली जाए? हाँ भाई बताओ, any ideas क्या करना चाहिए? ये new system मान लेते हैं, इस new system में मान लेते हैं कि ये जो coordinate axes हैं, क्या हो रहा है यार? हाँ, तो capital y capital x मान लेते हैं इसको, और तुमने रोटेशन पढ़ा है, सभी ने रोटेशन पढ़ा है. अगर
कोऑर्डिनेट में ही पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा होगा, राइट? तो टेल मी क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे बताओ सोचकर। मतलब अगर मैं इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट लूं, सपोज स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, एंड आफ्टर रोटेशन ये पॉइंट बन जाता है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई? यू कैन सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मतलब यही पॉइंट जो पी था वो 45 डिग्री रोटेट होके यहां पहुंचा है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी यूज करो, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रिवाइज हो, बिकॉज रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इन आवर सिलेबस, बट रोटेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट इन आवर सिलेबस। और वैसे भी अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रोटेट कर लेते हो पॉइंट्स को सेंटर के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आराम से कर लोगे। तो टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हमने क्या किया है, हाउ विल यू अचीव कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई फ्रॉम स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई? सबसे पहले ये बताओ कि जो हमने इनिशियली स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पॉइंट लिया उसको मैं स्मॉल एक्स प्लस आई वाई लिख लेता हूँ, ठीक है? और जो न्यू पॉइंट है उसको मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ, विच इज कैपिटल एक्स प्लस आई कैपिटल वाई। अब मुझे बताओ कि W और Z में क्या रिलेशन दिख रहा है तुमको? ये W है, this is W and this is Z. क्या रिलेशन है? Obviously 45 degrees का, है ना? भाई 45 degrees से तो रोटेट हुआ है, plus 45 से, right? तो हम क्या लिख सकते हैं? W equals to क्या हो रहा है भाई? क्या हो गया? तुमको नेटवर्क सही नहीं है क्या? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चल रहा है? अभी एक और कौन आ गया? अरे मैं हूँ। मेरे को लगा खाली है। नहीं चलो छोड़ो छोड़ो ओके okay. तो W इक्वल्स टू क्या है अभी बताओ? W इक्वल्स टू Z इनटू e पावर आई पाई बाई फोर। देखो W इक्वल्स टू स्मॉल z इनटू e पावर, देखो ये भाई हमने पूरे कर्व को अगर 45 डिग्री से रोटेट किया है तो हर पॉइंट उसका 45 डिग्री से रोटेट हुआ है ना, एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व। सो स्मॉल x कॉमा स्मॉल y रीचेस टू कैपिटल x कॉमा कैपिटल y बाय 45 डिग्री रोटेशन, प्लस 45 डिग्री रोटेशन, है ना? सो W इक्वल्स टू z इनटू e पावर आई पाई बाई फोर, और बेटर होगा कि हम लिखें z equals to w into e power minus i pi by 4. रीजन ये है बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड अ न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x कैपिटल y, और उसके लिए स्मॉल x और स्मॉल y को सब्स्टिट्यूट करना है। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कैपिटल x कैपिटल y इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x स्मॉल y, वी विल ट्राई टू फाइंड स्मॉल x स्मॉल y इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y. तो देखो बहुत सिंपल है, और यहाँ पे तुम अवॉइड कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी फॉर्मूला याद करना जो तुमने याद किया हो पहले। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रोटेशन में स्टार्टिंग बताता नहीं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में पढ़ने के बाद ये काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैपिटल एक्स प्लस आई वाई ई पावर माइनस आई पाई बाई फोर क्या हो जाएगा भाई? वन बाई रूट टू प्लस आई साइन माइनस पाई फोर माइनस आई बाई रूट टू, और यहां से हमको मिलेगा स्मॉल एक्स। टेल मी व्हाट इज स्मॉल एक्स? स्मॉल एक्स क्या आएगा भाई? रियल पार्ट क्या आएगा उस साइड? कैपिटल एक्स बाय रूट टू एंड माइनस आई स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा प्लस वाई बाय रूट टू, ये हो जाएगा। और स्मॉल वाई क्या होगा? स्मॉल वाई वेटिंग रूम में, कोई ना कोई वेटिंग रूम में है ही आज, ये देखो ठीक है। सो स्मॉल वाई क्या होगा भाई? स्मॉल वाई हो जाएगा माइनस एक्स बाय रूट टू प्लस वाई बाय रूट टू। जहां पर कोई बात ना समझ में आए, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा रिवाइज होगा रोटेशन वाला केस, और हाइपरबोला में तो हेल्प हमको मिली रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रोटेशन कहाँ भी यूज करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करो, काम आसानी से हो जाएगा। मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इस पूरे
सिस्टम इस पूरे कर्व को 45 डिग्री से रोटेट किया अबाउट ओरिजिन. तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे z, और ये z जो है न्यू पोजीशन w पे पहुंच जाता है. हम z और w को सिंपल इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं. बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग z w इन टर्म्स ऑफ z, वी आर ट्राइंग टू फाइंड z इन टर्म्स ऑफ w, बिकॉज़ हमको फाइनली ये x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है इन द इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला. तो अब जो हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन थी वो देखो क्या थी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज x plus y by root 2 का whole square, और minus minus x plus y by root 2 whole square equals to a square, correct? And इसको चलो हम लोग solve करते हैं. Solve करो भाई, देखो क्या आता है. तो यहाँ से जाएगा x square plus y square plus 2xy और minus x square plus y square minus 2xy and whole thing divided by 2 equals to a square. ठीक है, तो ये हो गया. Obviously x square by square cancel हो गया. 4xy by 2 यानी 2xy equals to a square, और ये आ गया xy equals to a by root 2 का whole square. इस a by root 2 को हम c लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा c square. So finally जो equation तुम्हें दिखाई दे रही है वो है x into y equals to c square, where c equals to a by root 2. देखो भाई इस डायग्राम को देखो. रिद्मा क्या हुआ, अरविंद अभी आ रहा है, पहले नहीं आया था. ओके सो देख लो भाई, देख लो यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और c इक्वल्स टू c और a का रिलेशन क्या है. c इक्वल्स टू a बाई रूट टू. अब ये c इक्वल्स टू a बाई रूट टू क्या है इसको हम समझते हैं. अभी फिलहाल देखो हमने क्या किया, हमने इस कर्व को, ये जो कर्व है इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो एक बार फिर मैं डायग्राम बनाता हूं. ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर क्या है, ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर फिर से एक हाइपरबोला ही है, लेकिन ये ऐसा हाइपरबोला है जिसके एसिम्प्टोट्स एक्स वाई एक्सिस है ना, एसिम्प्टोट्स इसके एक्स और वाई एक्सिस है, और इसके जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x. ऐसा ऑब्वियसली फिर इसका वर्टेक्स यहां पे आ जाएगा, दीज टू आर वर्टाइसेस, इसका फोकस कहीं यहां पे आ जाएगा s एंड s डैश, और डायरेक्ट्रिसेस y इक्वल्स टू माइनस x के पैरेलल हो जाएंगे, है ना. सो दिस हाइपरबोला इज दिस हाइपरबोला इज, चलो हम स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड दिस इज this is again a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola ही है, but standard form अब तुम ऐसे याद करोगे, ठीक है? Standard form वो भी थी obviously, but तुम x y equal to c square के results ही याद रखोगे, ठीक है? अब मुझे one by one बताओ कि अगर इस curve की equation x y equal to c square है, तो जल्दी से हम इसकी लिखते हैं terminology. एक मिनट ऊपर scroll करेंगे. हाँ ऊपर scroll करो. और ऊपर? Yes sir. बस. इसके पहले हम आगे जाएं, तुम लोगों को समझ में आया रोटेशन वाली बात, समझ में आई? हमने स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई से कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई तक हम कैसे पहुंचे, सबको समझ में आ गया ना? क्यों भाई? ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी देखो. जैसे हम हर कर्व में लिखते हैं इसकी भी टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, ध्यान रखना. सबसे पहले asymptotes, क्योंकि ये तो हमने कन्वर्ट किए हैं अपने अकॉर्डिंग. asymptotes आर x y एक्सिस ऑब्वियसली, है ना.
ये asymptotes हैं, these are asymptotes. What about axes? Axes means axes of symmetry for hyperbola. So y equals to x is transverse, and y equals to minus x is conjugate. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट आराम से निकाला सकता है वो है वर्टिसेस. वर्टिसेस देखो भाई, देखो वर्टिसेस, ये पॉइंट्स कॉल दिस v एंड v डैश. तो ये आराम से इसे निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड वी आल्सो हैव द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस. तो इन दोनों को सॉल्व भी तो करना है. c कॉमा c, यस. तो देखो ये पॉइंट आएगा c कॉमा c, और ऑब्वियसली फिर ये पॉइंट आएगा माइनस सी कॉमा माइनस सी, है ना. तो वर्टाइसेस क्या है इसके? वर्टाइसेस हैं सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस सी. दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला. और तुम चेक कर सकते हो बिकॉज देखो रोटेशन से कभी लेंथ चेंज नहीं होती, राइट. तुम्हें अगर याद हो ये डिस्टेंस कितनी थी, वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी थी, वर्टेक्स की डिस्टेंस थी ए. अब इस वक्त तुम अगर ओरिजिन से c कॉमा c की डिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या आएगा, c रूट टू. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन c एंड a, c इज a बाय रूट टू, सो इवेंचुअली इट इज a, है ना. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट c कॉमा c है और इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो c रूट टू है. एनीवेज तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स. कैन यू फाइंड एक्सेंट्रिसिटी of this hyperbola? क्या होगी भी इसकी eccentricity? Do you think it will change by rotation? It will not change by rotation, right? Root 2. Yes. Rectangular hyperbola की eccentricity is always root 2. Root 2 ही रहने वाली है. Can we find foci? Can you find एक मिल जाएगा दूसरा अपने आप मिल जाएगा. रूट टू सी कॉमा रूट टू सी, रूट टू सी कॉमा रूट टू सी. ओके कैसे है भैया? टू सी होगा ना, आई डोंट नो, तुम लोग बताओ और निकालने का तरीका बताओ. ये तो कंफर्म्ड है कि जो भी होगा वो एक्स वन कॉमा एक्स वन होगा, राइट, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर. What is your method to find x1 comma x1? कैसे निकालोगे? Normal focus root 2 a, तो फिर root 2 a by root 2 45 degrees rotate. तो क्या root 2 से multiply करते हैं? सर नहीं, rotation मतलब root 2 a था तो 1 by root 2 से. अब हर बार rotation तो नहीं use करेंगे यार. Rotation क्यों use करना है? यहाँ पे थोड़ा better method से हम use कर सकते हैं ना. और सोचो भाई इसकी डिस्टेंस कितनी थी. चलो वापस चलते हैं, देखते हैं जो हमने इनिशियली बनाया था. ये देखो रूट टू ए थी, राइट. तो ये जो कर्व है इसकी भी डिस्टेंस रूट टू ए ही रहनी चाहिए ना, यानी फोकस की डिस्टेंस यहां से रूट टू ए ही होनी चाहिए, है कि नहीं भाई. अगर वो डिस्टेंस इनिशियली रूट टू ए थी, ये भी रूट टू ए होनी चाहिए. अब इस वक्त मैंने जो एक्स वन को एक्स वन लिखा है उसकी ओरिजिन डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है रूट टू एक्स वन, एक्स वन रूट टू. तो एक्स वन रूट टू शुड बी इक्वल टू एक्स वन रूट टू शुड बी इक्वल टू रूट टू ए. तो एक्स वन इज व्हाट, ए. तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ए कॉमा ए है, और ए क्या है, रूट टू सी है ना. तो टू सी कॉमा टू सी नहीं होगा, क्योंकि टू सी कॉमा टू सी अगर तुम करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टू रूट टू सी आ जाएगी. टू रूट टू, समझ में? ओके. तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. एक और तरीका है, ये देखो, ये तुम लगा सकते हो सेक्शन फॉर्मूला. भाई हमको ये पता है ना कि हमेशा जो रेशियो है हमको पता है, दिस इज ए दिस इज ए ई. तो ये क्या है, ये अगर एक्सटर्नल देखा जाए तो वन रेशियो ई का है, मतलब ओ वी अगर वन है तो ओ एस जो है वो ई है. तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी तुम निकाल सकते हो.
बट बेस्ट है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला जाए अगर हमने फोकाई को एक्स वन को एक्स वन अज्यूम कर लिया है. सो एक्स वन रूट टू विल बी इक्वल टू ए रूट टू. X1 plus 2 would be a comma a. What is a? A क्या था भाई? A था root 2c. So answer is root 2c comma root 2c. Directrix. चलो. डायरेक्टर क्या बताओ? व्हाट इज डायरेक्टरिक्स? डायरेक्टरिक्स ऑफ दिस हाइपरबोला. चलो फिर इसमें आते हैं, स्क्रॉल करना पड़ा यार. डायरेक्टरिक्स ऑफ दिस हाइपरबोला. पर सीटी और मेन दोनों के लिए बड़ा हाइपरबोला इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. तो ये रहा y equals to x, ये रहा इसका एक्सिस, ये रहा इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होगी. तो लाइन जो भी है वो ऐसी कुछ होनी चाहिए. ये रहे, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी भैया. चलो निकालो. x minus y तो नहीं हो सकता ना, because ये y equals to minus x के पहले. x plus y, sorry. x plus y equal to something. a by root 2. a by root 2. बताओ भाई. बाकी लोग agree कर रहे हैं इस बात पर, ये a x plus y equals to a by root 2 होना चाहिए. Come on, यार इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. यू रोटेटेड दिस हाइपरबोला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विल नॉट चेंज. जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाली, राइट? तो हमारी इनिशियली जो डिस्टेंस होती थी वो क्या थी? वो a by e थी. मतलब ये डिस्टेंस a by root 2 होनी चाहिए. दिस डिस्टेंस शुड बी a by root 2. सो इफ इट इज a by c root 2. No, tell me in terms of a. हम c में तो convert कर ही लेंगे ना. In terms of a क्या होगी इस line की equation? Is it correct? x plus y equals to a by root 2. x plus y line, equal to a. x plus y equals to a. Sir, x plus y. x plus y equals to a आएगा ना यार, क्योंकि ये distance देखो a by root 2 है, right? तो अगर ये distance a by root 2 है, ये angle 45 है, तो ये length तो a हो जाएगी ना? So it is not a by root 2, it is a. X plus y equals to a. Or obviously ho jayega x plus y equals to minus a. And the equation of directrix, directrices jo hongi wo kya jayenge? X plus, in terms of c likhenge hum. In terms of c likhte hain. So x plus y equals to plus minus a. And what is a? A is root 2 c. तो फिर x plus y equals to plus minus root 2 c. ये रही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. थोड़ा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग रहोगे क्योंकि रोटेशन हुआ है, बट उसके बाद इतना कुछ मुश्किल नहीं है. और हमेशा हमारे पास एक चांस है वेरीफाई करने का. अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका है डिस्टेंस. तुम डिस्टेंस देखो, और डिस्टेंस अगर तुमने कोई गलती की है तो अपने आप वो डिस्टेंस रॉन्ग आ जाएगी. ए और सी का रिलेशन याद रखो, ए इज रूट 2 सी, बस काम खत्म हो गया. ठीक है, तो ये रही डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, एक्सिस, एसिम्प्टोट्स एंड फाइनली लैटिस रेक्टम भी लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2a. 2a. 2a करेक्ट भाई. ये तुम्हारा 2b स्क्वायर बाय a वाला फॉर्मूला था, और इसमें क्योंकि a इक्वल्स टू b हो गया, b को हम a रखेंगे तो आंसर 2a आएगा. एंड इन दिस केस a इज रूट 2c, तो आंसर इज 2 रूट 2c.
ठीक है, लैटिस रेक्टम की लेंथ 2√2c होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो टर्मिनोलॉजी है वो इस तरह चेंज हो जाएगी. फाइन. क्या होगा इसका भाई, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल कहां से पास होता है? हमेशा वर्टेक्स से पास होता है, राइट? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा. तो रेडियस कितनी होगी इसकी? इसकी रेडियस होगी, देखो ना ये पॉइंट है सी कॉमा सी, रेडियस कितनी होगी? सी रूट टू. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह पर, ए की जगह पर रूट टू सी लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना? तो ये पॉइंट हम दोबारा लिखते हैं एक बार. हम ऑलरेडी कर चुके हैं हाइपरबोला, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए व्हाट विल बी इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत यूजफुल चीज है, और ये तुम रियलाइज करोगे जैसे तुम एंट्री करोगे एओडी में, टेंजेंट नॉर्मल्स में, तुम्हें अपने आप समझ जाएगा पैरामीटर का एडवांटेज क्या है. हम ये इक्वेशन पूरी स्किप कर सकते हैं अगर हमने इसकी पैरामीटर्स, हमने एक सिंगल पैरामीटर में एक्स और वाई को एक्सप्रेस कर दिया, तो फिर हमको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एलिप्स और हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए थे, बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म्स एड या सब्ट्रैक्ट होती हैं. एलिप्स में हमने साइन कॉस यूज किया, हाइपरबोला में सेकोटैन यूज किया, बट यार पैराबोला में हमने सिंपल अलजेब्रा यूज की थी, बिकॉज रिलेशन कैसा था, एक साइड में स्क्वायर और एक साइड में लीनियर. सिमिलरली यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत एक सिंपल पैरामीटर एज्यूम करके हम एक्स और वाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, एंड दैट बाय कन्वेंशन इज एक्स इक्वल्स टू सी इनटू टी, राइट, एंड वाई इक्वल्स टू सी अपॉन टी, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल रिमेन सी स्क्वायर. ऑब्वियसली टी कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, टी कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो. इसका मतलब ये हुआ, इफ यू वांट टू चूज एनी पॉइंट, इफ अ पॉइंट इज टू बी सिलेक्टेड ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इट कैन बी सी टी कॉमा सी बाई टी, विल डेफिनेटली मेक लाइफ इजी फॉर यू. बिकॉज बहुत सारी कैलकुलेशंस, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो पैरामीटर है टी, इट इज सिमिलर टू, आई एम नॉट सेइंग सेम, बट सिमिलर टू द पैरामीटर इन पैराबोला, है ना? दो चीजें सेम ऐसी हो गई, एलिप्स और हाइपरबोला में ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर हो गया, ठीक है भाई? तो जब भी तुम्हें कोई इस हाइपरबोला में पॉइंट अज्यूम करना हो, तुम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो. ओके, तो चलो इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी यहां पर? व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको आराम से हम स्लोप फॉर्म की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी. चलो स्लोप फॉर्म लिख लेंगे, लेकिन हम लोग पहले पॉइंट फॉर्म लिखते हैं. फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब होता है? एट अ गिवन पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन. तो क्या था भाई हमारे सब्सटीट्यूशन क्या था? एक्स वाई इक्वल टू अगर सी स्क्वायर दिया हुआ है तो कैसे लाएंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? एक्स इंटू वाई के लिए क्या था सब्सटीट्यूशन? एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू. एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू. भाई एक्स स्क्वायर के लिए एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के लिए वाई वाई वन, एक्स के लिए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू एंड सो ऑन. देन एक्स वाई के लिए इट इज एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू. तो ये रही तुम्हारी पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन. देखो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर. अगर तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन याद है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन फैक्ट है कि अगर तुम्हें ये नहीं भी याद है तो एओडी पढ़ने के बाद तुम कैलकुलस की हेल्प से भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अगर नहीं याद है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड पैरामीट्रिक फॉर्म.
पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हें पता है कि अब हम टेंजेंट निकालेंगे एट दिस पैरामीट्रिक पॉइंट, एट विच पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी। चलो इस पे निकालते हैं। तो सी टी कॉमा सी बाई टी पर अगर हम फाइंड करें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सो इट विल बी एक्स इंटू वाई वन यानी कि सी बाई टी प्लस एक्स वन दैट इज सी टी इंटू वाई इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर, और सी कैंसिल हो रहा है एक, चाहो तो टी एल से मिलो, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी टी। वैसा करें ना, आई थिंक ये करेक्ट होना चाहिए, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी टी, सही है ना। तो ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर अ हाइपरबोला। और अगर तुम चाहो तो इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में रखो। देखो क्या आता है, y इक्वल्स टू आएगा माइनस एक्स बाई टी स्क्वायर करेक्ट प्लस टू सी बाई टी। इस फॉर्म में लिखने का रीजन क्या है कि अगर अब तुम चाहो तो स्लोप फॉर्म भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो बड़े आराम से बिना एलजेब्रा यूज किए हुए। तो स्लोप फॉर्म क्या होगा, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो अगर हम स्लोप फॉर्म निकालें तो हम चाहते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आए, और कंपैरिजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या है भाई कंपैरिजन, m ऑब्वियसली माइनस वन बाई टी स्क्वायर है, देखो ना m इज माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये माइनस वन बाई टी स्क्वायर क्या शो कर रहा है भाई, इस माइनस वन बाई टी स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो मतलब हुआ, इसका मतलब इस फॉर्म में जो रेक्टेंगल और हाइपरबोला की टेंजेंट्स होंगी उनका स्लोप पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। क्या लगता है, बात सही है, इस फॉर्म में ये देखो ग्राफ, ग्राफ देखते हैं उसका एक बार, माइनस वन बाई टी स्क्वायर का मतलब तो ऑलवेज नेगेटिव है। इस हाइपरबोला की कोई भी ऐसी टेंजेंट नहीं होगी जिसका स्लोप पॉजिटिव, यानी जो एंगल फॉर्म हो रहा है टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट हो। आई थिंक तुम ये ज्योमेट्रिकली नोटिस कर पा रहे होगे कि तुम कोई भी टेंजेंट यहां बनाओगे, कोई भी टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे इसकी एंगल ऑब्ट्यूज ही बनने वाला है, एंड दैट फैक्ट कैन बी चेक्ड यूजिंग अलजेब्रा, जो हमको स्लोप आया है माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो रिमेंबर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन केस ऑफ दिस इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। खैर यहां से हमको निकालना है टी की वैल्यू, और हमें वापस वहां जाके सब्स्टिट्यूट करनी है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वन बाई एम, ये तो आएगी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई एम। तो प्लस माइनस तुम्हें बताइए क्यों आ रहा है, बिकॉज एक ही स्लोप की दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो ये जाकर यहां पर बस सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू विल हैव योर आंसर। तो क्या आएगा भाई, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, और सी की जगह पर ये सी डिफरेंट है, ये सी डिफरेंट है और ये सी कुछ और है, हाइपरबोला सी है, टू सी बाई टी। सो वट विल बी टू सी बाई टी, प्लस माइनस टू सी अपॉन रूट ओवर माइनस वन बाई एम, न्यूमेटर में पहुंच के रूट ओवर माइनस एम बन गए। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, चिंता मत करो, ऐसे कोई इक्वेशन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं दिखा रहा हूं कि हम कैसे पहुंच सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से स्लोप फॉर्म तक, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हो बहुत आराम से। अगर तुमने कन्वर्जन किया है तुमको पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो क्या था, सी टी कॉमा सी बाई टी, तो बस टी को रिप्लेस कर दो। सी टी का मतलब क्या हुआ, c अपॉन प्लस माइनस c अपॉन रूट ओवर माइनस m, एंड प्लस माइनस c by t मतलब c रूट ओवर माइनस m। तो इतनी इक्वेशंस को लिखता नहीं है, है ना, तुम्हें स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो x square by a square minus y square b square equal to 1 था उसके रिजल्ट याद करने हैं, ये टेंजेंट के रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर इसमें आता है पॉइंट फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने के लिए आता है तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है उनको याद रखो और तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। स्लोप फॉर्म रियली कभी काम में आया तो आया, वरना कुछ खास यूज नहीं है इसका।
एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में, ठीक है भाई। और नॉर्मल के बारे में क्या ख्याल है? और नॉर्मल देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी देख लेते हैं। तो एक बार फिर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, कौन सी फॉर्म पहले निकाल लीजिए बताओ? अगर हम नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले कौन सी फॉर्म निकाल लीजिए, बेटर क्या होगा? पॉइंट फॉर्म निकालना है ना, पॉइंट फॉर्म निकालना इजी है क्योंकि इस फॉर्म में हमारे पास टेंजेंट ऑलरेडी है। तो पहले हम लोग पॉइंट फॉर्म ही सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, क्या होगा भाई? पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? देखो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, कहा गया ये रहा, क्या है इसका स्लोप, स्लोप क्या है देखो टेंजेंट का क्या है, माइनस वाई वन बाई एक्स वन, माइनस वाई वन बाई एक्स वन। तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस वाई वन बाई एक्स वन, then slope of normal will be x1 by y1, right? तो बस equation of normal आ गई, slope point form, y minus y1 equals to x1 by y1 into x minus x1, ठीक है? इसमें cross multiply कर लो, better रहेगा। क्या आ रही है equation बताओ? Normal की equation क्या आ रही है? y y1 minus y1 square equals to x x1 minus x1 square, और ये रही तुम्हारी normal की equation, x x1 minus y y1 equals to x1 square minus y1 square, somewhat similar to जो हमने already पढ़ी हुई है ना, कुछ ऐसी equation तो उसमें आती है, बस यहाँ पे a और b missing है ना। तो ये है तुम्हारी normal की equation, बोलो भाई समझ में आ रहा है? ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन, हमने फिर दिखाया था, मैं हमने सबसे पहले नोटिस किया कि यहां पर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद हमने m1 m2 इक्वल टू माइनस वन से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल ली। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें दूसरी फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी पैरामेट्रिक फॉर्म, x इसका मतलब होगा एट सी टी कॉमा सी बाई टी। सो क्या रखना है, x वन की जगह पर सी टी और y वन की जगह पर सी बाई टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो कैसी इक्वेशन आ रही है भाई, अब देखते हैं। We have c cancel हो गया, t square से multiply कर दो, t square से, तो क्या आ रहा है, x t cube minus y t, t square से multiply किया, equals to c common, एक c cancel हो गया, t power 4 minus 1, और ये है normal की equation in parametric form। यहां पे डिग्री फोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? ये डिग्री फोर का पॉलीनोमियल क्यों आया, या इससे क्या नोटिस कर रहे हो तुम? व्हाई दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज अ डिग्री फोर पॉलीनोमियल इन टी, दैट मींस, अरे कुछ तो बोलो, जिन लोगों ने पैराबोला में नॉर्मल पढ़ी है, क्या थी नॉर्मल की इक्वेशन पैराबोला में याद है, x plus yt equals to 280 plus 80 cube, it was a cubic then, कुछ पढ़ाया गया था तुम लोगों, नॉन इंटी में नहीं हुआ है बट इंटीग्रेट में हो चुका है। इफ इफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज अ क्यूबिक इन t, व्हाट डज इट मीन?
इट मींस कि अगर तुम x और y की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, x और y की वैल्यूज का मतलब क्या है, एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ हाइपरबोला, यू विल गेट अ डिग्री 4 पॉलीनोमियल व्हिच मे और मे नॉट हैव 4 रूट्स, 4 रियल रूट्स, आई मीन 4 रियल रूट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट मींस कि किसी पॉइंट से हाइपरबोला पे मैक्सिमम 4 डिफरेंट नॉर्मल्स ड्रॉ की जा सकती है। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर हमने सपोज मैंने कोई पॉइंट पिक किया इस प्लेन में कहीं भी, मान लो एक पॉइंट यहां पिक कर लिया एक्स कॉमा वाई, या एक्स या मान लो एच कॉमा के, और मैंने पूछा कि इस पॉइंट से तुम कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तुम क्या करोगे यहां पर एच कॉमा के को सब्स्टिट्यूट करोगे, हाइपरबोला की नॉर्मल की इक्वेशन में एच कॉमा के को सब्स्टिट्यूट करोगे, और एच कॉमा के सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिग्री 4 पॉलीनोमियल आएगा। इस डिग्री 4 पॉलीनोमियल की जितनी रियल रूट्स होंगी, भाई ये टी क्या चीज है, टी टी तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है, तो जितनी यहां पे टी की तुम्हारे पास रियल वैल्यूज आएंगी उतनी ही नॉर्मल्स तुम ड्रॉ कर सकते हो। इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 0, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, यही सेम चीज पैराबोला में भी थी। तो ये तुम्हें सर, अरमानो शायद बाहर है, मैसेज कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये थी नॉर्मल की इक्वेशन। चलो स्लोप फॉर्म को छोड़ देते हैं, स्लोप फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन तुम तुरंत ट्राई करो अभी, नॉर्मल एट T1 टू XY इक्वल्स टू C2 इंटरसेक्ट्स अगेन एट T2 देन फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। नॉर्मल एट T1 टू XY इक्वल टू C2 इंटरसेक्ट्स इट अगेन एट T2 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। बताओ भी कैसे करना पसंद करोगे तुम, इसको कैसे ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, जबकि मैंने यहां पे डिराइव कर रखा है नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म तुम्हारे सामने है। Do you want to use it? तुम इसको यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, नहीं यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो बोलो भाई, क्या तुम इस इक्वेशन को यूज करना चाहते हो? अगर यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मिनाज, मिनाज है क्या? हेलो सर, टी के जगह T1 और एक्स और वाई के जगह C T2 और C by T2। करेक्ट, चलो करो। मिनाज है क्या? मिनाज, मिनाज लेक्चर में है? बस तेरा माइक खराब होगा। ये मार्क्स इतने कम क्यों है भाई? कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम है, कुछ लोगों के मार्क्स कॉम्प्लेक्स में बहुत कम है, उनसे बात करते हैं, उनसे इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी। तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? कुछ तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इतने फालतू मार्क्स आए हैं, 30s, 40s, 20 में मार्क्स है लोगों के। कॉम्प्लेक्स नंबर का पेपर बहुत ही एवरेज पेपर था, कुछ लास्ट के क्वेश्चंस ट्रिकी थे, लेंथी थे, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इजी थे। यू कंप्लीटली मेस्ड इट अप, आई मीन You could have easily scored 50% marks, 50-60% तो easily होने ही चाहिए थे, less than 50% is not acceptable। तो हम बात करते हैं, जिन लोग जिनके भी marks 50% से कम है उनके लिए एक retest करना ही पड़ेगा conduct। Complex numbers के इस paper में 50% से कम marks नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? Less than 50 is not accepted। देखते हैं,
इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही कह रहा है, इस क्वेश्चन में टी वन पे नॉर्मल है, तो जो तुमने अभी इक्वेशन लिखी है उसमें सबसे पहले हम टी को टी वन से रिप्लेस कर देते हैं, यानी इक्वेशन बन जाएगी लेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी एक्स टी वन क्यूब माइनस वाई टी वन इक्वल्स टू सी टी वन पावर फोर माइनस वन. तो ये रही नॉर्मल की इक्वेशन. व्हाट एल्स इज गिवन, और क्या दिया हुआ है कि भाई जो नॉर्मल T1 पर है वो T2 पर दोबारा इंटरसेक्ट करती है. तो अगर ऐसा है, व्हाट इज T2, T2 का मतलब ये पॉइंट C T2, C by T2. तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसका मतलब. तो X की जगह पर तुम रख दोगे C T2 into T1 cube minus C by T2 into T1 equals to C into T1 power 4 minus 1. And now you try to solve this. देखो CC cancel हो गया, C हर जगह cancel हो जाएगा और जो भी LCM LCM जो भी लेना है लेके और इसको solve करो. T1 cube into T2 plus 1 whole into T1 minus T2. T1 cube T2 square अगर हम LCM ले लें माइनस टी वन इक्वल्स टू टी वन पावर फोर इंटू टी टू और माइनस टी टू. देखो ये फैक्टराइज होगा अभी और सिंप्लीफाई करो उसको. इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, अगर मैं इसको ले जाऊं राइट हैंड साइड में मान लो, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं टी वन क्यूब टी टू. हमने टी वन क्यूब टी टू कॉमन निकाला, दिस विल बिकम टी वन माइनस टी टू. सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, प्लस T1 माइनस T2. Obviously T1 is not same as T2, तो ये तुम कॉमन निकाल सकते हो. T1 माइनस T2 कॉमन निकल गया और देखो ये एक रिलेशन आ रहा है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में. सो सिंस T1 माइनस T2 इज नॉट जीरो बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट, T1 क्यूब इंटू T2 इक्वल्स टू माइनस वन. तो ये रहा रिलेशन. यानी किसी भी हाइपरबोला में जो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर्म का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर हम नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल अगर टी वन पे ड्रॉ की जा रही है मान लो और वो दोबारा टी टू पे इंटरसेक्ट करती है, तो तुम इस रिलेशन का यूज करके टी टू निकाल सकते हो. टी टू तुरंत निकाल लोगे है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 16, एक्स वाई इक्वल टू 16 दिया हुआ है, ठीक है. और मैंने एक पॉइंट लिया मान लो नॉर्मल एट 8.2 इज ड्रॉन एंड इट मीट्स कर्व अगेन एट at P, at some point P. So then find P. वही क्वेश्चन है. माइनस ऑफ कॉमा माइनस 32. हाँ, तो ये तुम्हारा देखो क्या है, फोर स्क्वायर. सबसे पहले C equals to 4, ये नोट कर लो. C equals to 4 है. उसके बाद ध्यान रहे रिलेशन T1 T2 में है. तो 8 क्या है, 8.2 क्या है, 8.2 is actually 4 into 2, 4 by 2. मतलब वही C2, C by T. तो जो T1 है वो 2 है. Right? T1 is 2. And relation क्या है मेरे पास, T1 cube T2 equals to minus 1. So T1 cube into T2 equals to minus 1, which implies T2 equals to minus 1 by T1 cube, which is 8. T2 is minus. Hence, जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, सी टी टू यानी 4 टाइम्स माइनस 1 बाई 8 सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू यानी 4 इंटू माइनस 8. तो देखो पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया माइनस हाफ कॉमा माइनस 32. ठीक है, तो इस रिलेशन की हेल्प से देखो तुम ये क्वेश्चंस, ये सिमिलर टू पैराबोला का नॉर्मल है. पैराबोलिक नॉर्मल लगभग इसी फॉर्म में आती है और इस टाइप का रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन खैर नहीं आता,
क्या आता है वहां पे, टी टू इक्वल्स टू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन, कुछ ऐसा आता है ना। ठीक है भाई, रेक्टेंगल और हाइपरबोला पे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज फोर पॉइंट्स टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर, मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑन एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द रिलेशन। क्या भाई सबक रहना, कितने जगह क्या हो गया सबको? हाँ भाई क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वाला हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पे कुछ चार पॉइंट्स हैं, सपोज पी क्यू आर एंड एस, और ये चार पॉइंट्स जो हैं वो एक साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो क्या रिलेशन होगा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर में, ये फाइंड करना है। वन यस, क्या वन? मल्टीप्लिकेशन, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इज वन, कैसे आया ये? इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, उसमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले लेंगे, ले लिया हमने, वही तो लिया टी वन टी टू, वही मतलब है पैरामेट्रिक ही है ये, सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू, यही तो कह रहा हो, ले लिया पॉइंट, उसके बाद सर्कल का इक्वेशन। वेरी गुड, देखो साइक्लिक की जहां बात आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइक्लिक कोऑर्डिनेट पॉइंट पुट कर देंगे, हाँ, तो तुरंत जो है स्टार्ट कर दो सर्कल की इक्वेशन से, लेट पी क्यू आर एस लाई ऑन दिस जेनरिक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, हमने वहां पे यूज कर लिया तो डी इक्वल टू जीरो, ऐसा हमने एक सर्कल अज्यूम कर लिया, राइट? इस सर्कल को ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, कौन से? टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, तो वन बाय वन जो हम रखेंगे यहां पे क्या रखेंगे, सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू, सी टी थ्री कॉमा सी बाई टी थ्री एंड सी टी फोर कॉमा सी बाई टी फोर। So instead of substituting these four points and finding four different equations, क्यों ना हम CT comma C by T रख दें और बोल देंगे कि T की value T1, T2, T3, T4 चारों हो सकती है ना? तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो point है CT comma C by T वो आप ये यहाँ पे substitute करते हैं, ये आ जाएगा C square T square plus C square by T square plus 2G CT plus 2F C by T and plus D equals to zero. और देखो अगर तुमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर टी पावर फोर, है ना, एलसीएम के बाद टी क्यूब वाली टर्म ये हो जाएगी प्लस टू जी सी टी क्यूब, ठीक है, लो भाई साइक्लोन आ गया तुम्हारे यहाँ, और क्या आएगा टी स्क्वायर टर्म कहाँ पे आएगी, डी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर प्लस टू एफ सी टी प्लस टू एफ सी टी, और कॉन्स्टेंट क्या आएगी सी स्क्वायर। नॉट अ सरप्राइज की डिग्री फोर इक्वेशन है, डिग्री फोर इक्वेशन क्यों है, बिकॉज टी वन टी टू टी थ्री टी फोर सेटिस्फाई, दीज आर द फोर रूट्स, और तुम बताइए कि ये फोर डिग्री पॉलिनोमियल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर product of roots will be constant term divided by coefficient of t power 4, yani c square by c square, it will be 1. So there is a condition for four points to form a cyclic quadrilateral, and this condition says that
product of parameters t1 t2 t3 t4 will be equal to 1. बोलो ये बात समझ में आई? हाँ हाँ सर ठीक है ओके एक और ये रिजल्ट याद रख लो हालांकि है तो ये क्वेश्चन बट इसको याद कर लो एक और क्वेश्चन ही है बट उस रिजल्ट को भी याद करना इफ पी विद पैरामीटर t1 क्यू t2 और t3 फॉर्म अ ट्राइंगल ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर तीन पॉइंट से हमने ट्राइंगल फॉर्म होगा है ना ऑब्वियसली एक लाइन दो ही पॉइंट विकल्प करेगी तो ट्राइंगल हमेशा फॉर्म होगा देन प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल ऑल्सो lie on hyperbola xy equal to c square ठीक है चलो प्रूफ करो इसको इनफैक्ट इसको तुम आराम से घर पे बैठ के प्रूफ करो मेरी एक और क्लास है ठीक है तो आज इतना रखते हैं एक लेक्चर और लूंगा मैं उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट थियरी खत्म है केवल हमारी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो लास्ट में होती हैं जो ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कर्व की वो बची हुई है ना तो अब तुम बुकलेट सॉल्व करो यार और ढंग से कोनिक्स के पांचों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है ठीक है तो जो तुम्हें डीबीबी दी गई है उसको फिनिश करना है कितनी डीबीबीज है उसमें किसी ने काउंट किया तो देखो कितनी डीबीबीज है उसमें 10 12 12 12 है ना कब तक हो जाएगी भाई 12 टीपीपीस बताओ मुझे